एक बार फिर हुल्ली झिकनी पुल 22 केवी लाइन जवाब दे गई थी। पूरा चौपाल अंधकार में डूब चुका था। बिजली बोर्ड के अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि हुल्ली झिकनी पुल लाइन में कुछ फॉल्ट आ गया है, इस कारण बिजली बाधित हो गई है। चौपाल सहित निर्वा क्षेत्र के सभी ट्रांसफार्मर भी ठप हो गए थे। हमेशा की तरह इस बार भी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने रात करीब 9 बजे फॉल्ट को ढूंढ निकाला। पता चला कि देहा और चंबी के बीच HT लाइन का डबल डेचर टूट गया है। फिर अस्थायी तौर पर इसे जोड़ने का कार्य शुरू किया गया। बोर्ड के कर्मचारियों की कड़ी मेहनत रात करीब 11 बजे रंग लाई। SDM चौपाल छेद सिंह ने कर्मचारियों की कार्य करते हुए एक वीडियो अपने ऑफिशियल पेज पर जारी कर सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सर्द रात में कार्य को अंजाम देना वाकई काबिल तारीफ है। उन्होंने उसके लिए बोर्ड के कर्मचारियों को बधाई दी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए चौपाल से सुरेंद्र ममता की रिपोर्ट। एक बार फिर हुल्ली झिकनी पुल 22 केवी लाइन जवाब दे गई थी। पूरा चौपाल अंधकार में डूब चुका था। बिजली बोर्ड के अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि हुल्ली झिकनी पुल लाइन में कुछ फॉल्ट आ गया है, इस कारण बिजली बाधित हो गई है। चौपाल सहित निर्वा क्षेत्र के सभी ट्रांसफार्मर भी ठप हो गए थे। हमेशा की तरह इस बार भी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने रात करीब 9 बजे फॉल्ट को ढूंढ निकाला। पता चला कि देहा और चंबी के बीच HT लाइन का डबल डेचर टूट गया है। फिर अस्थायी तौर पर इसे जोड़ने का कार्य शुरू किया गया। बोर्ड के कर्मचारियों की कड़ी मेहनत रात करीब 11 बजे रंग लाई। SDM चौपाल छेद सिंह ने कर्मचारियों की कार्य करते हुए एक वीडियो अपने ऑफिशियल पेज पर जारी कर सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सर्द रात में कार्य को अंजाम देना वाकई काबिल तारीफ है। उन्होंने उसके लिए बोर्ड के कर्मचारियों को बधाई दी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए चौपाल से सुरेंद्र ममता की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।